हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज कुछ दिनों के गैप के बाद ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज DIY का कुछ न्यू प्रोजेक्ट है जो मैंने सोचा है, तो वो करके तो आप लोगों के साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। और अभी चलते हैं, उसके लिए कुछ सामान भी लेना है और कुछ घर की ग्रोसरी भी लेनी है। तो आप लोगों को अभी पहले मैं वो जगह दिखाता हूँ जिस जगह पर वो DIY का जो पूरा आर्ट बनाएंगे और वहाँ पर लगाएंगे, और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे उसकी कॉस्ट वगैरह और डिटेल्स भी, और उसको कैसे बनाया। तो चलें, मैं भी आप लोगों को चल के वो जगह दिखाता हूँ जिस जगह पे वो मैंने लगाना है। ये वो जगह है इस वॉल के ऊपर, ये स्टेयर्स के बीच में हमारे घर में जगह है। इस जगह पर ये यहाँ पर हमें के काफ़ी खाली एम्प्टी सा स्पेस है, बहुत ही अजीब सा लगता है, तो यहाँ पर हम वो लगाएंगे। Much, much later. आज का जो एक छोटा सा हमारा DIY का मिनी प्रोजेक्ट है, तो उसका हम सामान वगैरह लेकर हम आ गए थे। लेकिन पता नहीं आजकल कोई गंदी सी एक गंदा सा कोई वायरल है फैला हुआ है जो आँखों को अफेक्ट करता है। आँखों में जलन होती है, रेडिश सी हो जाती है, और आँखों में बहुत ही ना ख़ारिश सी होती है। तो एकदम से ना वो होना शुरू हो गई, वो फैमिली को भी मुझे भी। तो अभी फिर उसके लिए जल्दी से एमरजेंसी में गए, जाके डॉक्टर से उसकी मेडिसिन लेकर आए। इसको शायद वायरल को ठीक होने में 5 से 7 दिन लगेंगे। A few moments later. तो आज जो है मैं हेक्सागन शेप में बनाऊंगा एक DIY पूरा स्ट्रक्चर, और उसके लिए हमें ये स्टिक्स चाहिए। तो ये हमारे पास स्टिक्स हैं, और एक हेक्सागन के लिए हमें 6 स्टिक्स चाहिए। हम हेक्सागन की शेप्स बनाएंगे और उन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे। मैंने पोस्टर कलर यूज़ किए हैं इस पर पेंट करने के लिए।